बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मीडिया के दोस्तों का कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास इस प्रेस काउंसिल में आए। इसको करने की जो ख़ास और अहम वजह थी वो हमारा एक क्राइम एक्टिव जो पुलिस हमारा काम कर रही है, जिसके मैं आपको कुछ फिगर्स भी बताऊंगा और आप इससे अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि कितनी प्रोएक्टिव और आगे फ्रंट पे आके पुलिस काम कर रही है। और इसी का ही एक जो रिज़ल्ट है, आउटकम है, वो हमने देखा कल जब 10 नवंबर को ब्लॉक बी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में एक घर में डकैती की वारदात के दौरान जो पुलिस ने काम किया, जब पुलिस को इत्तला मिली, बल्कि इत्तला क्या मिली, पुलिस वाले इसी इत्तला की टोह में थे, क्योंकि इससे पहले भी आसपास के इलाकों में इसी तरह की वारदातें हो चुकी थी। तो एसएसपी साहब, डीआईजी साहब वेस्ट, एसएसपी साहब सेंट्रल, इनकी निगरानी में एएसपी साहब की टीम पूरी बहुत ही प्रोएक्टिवली उस इलाके में मौजूद थी। और जब उन्हें इत्तला मिली कि घर में तीन लोग वारदात की नियर से दाखिल हो गए हैं, तो और उसके बाद जब वेरीफाई हो गया कि गाड़ी जो उस वारदात में यूज़ होती है ये वही गाड़ी है जो दूसरी वारदातों में भी देखी गई है, तो बर वक्त पुलिस वहाँ पे पहुँची, जिसमें एएसपी साहब बजादे खुद एएसपी जहानदाद अवान, एसएचओ गुलाम नबी आफरीदी, एसएचओ नूरजान, एसएचओ रशीद लोधी, एसएचओ तैमूरिया, एसएचओ वकार कैसर, एसएचओ रिजविया, और इनकी टीम मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा हमारे दो कांस्टेबल पीसी अमजद और पीसी अनीस ने, जिसने इस वारदात के दौरान बहुत ही करेजस किरदार अदा किया। और जब उन्होंने देखा कि क्रिमिनल्स ने देखा कि पुलिस मौका पे जल्दी ही पहुंच गई है, तो जो बाहर गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ था, क्रिमिनल ड्राइवर, इनकी इंतज़ार में कि ये बाहर निकले और इनको वो अपनी जगह पे मंजिल मकसूद की तरफ ले जाए, उसने पहले पुलिस को इंगेज किया, पुलिस की फायरिंग में वो ज़ख्मी भी आए और हम उसकी भी तलाश में हैं, लेकिन वो फ़ायदा उठा के भाग गया इसी अफरा तफरी का। और इसी दौरान जो तीन क्रिमिनल्स घर में अंदर घुसे हुए थे, वो घर वालों को लेके बाहर निकले, उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम था, और लेकिन उन्होंने कमाल महारत से और प्रोफेशनलिज्म से न सिर्फ ये कि क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज़ किया और इनको इंगेज करके उनको आखिर में मारा, और घर वाले किसी भी फर्द को गजंद आने नहीं दी। ये मैं समझता हूँ कि ऑपरेशनली और बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की, और इसमें ये एसएचओ साहबान, इनकी टीम और ये दोनों कांस्टेबल, इनके लिए हमने पाकिस्तान पुलिस मेडल के लिए मैं रिकमेंड करने लगा हूँ, इंक्लूडिंग जो इनकी सीनियर सुपरवाइजरी लेवल है, और प्लस इस वक्त इन पूरी टीम के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए इनाम और CC1 कमेंडेटरी सर्टिफिकेट 1 वो हम दे रहे हैं। अब आए इस क्रिमिनल की तरफ और गैंग की तरफ, जिसका ये क्या चीज़ है, ये इसका पूरा नाम जो है, जो मेन क्रिमिनल है उसका पूरा नाम यासीन भयो वलद मोहम्मद हसन, और इसका असल ताल्लुक ज़िला कश्मीर से है, कच्चे के इलाके से, और इसको अगर बाबा ए कारचोर कराची कहा जाए तो ये कम नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाड़ियां, जो वीगो और इस तरह की बड़ी गाड़ियां, इसका एक्सपर्ट समझा जाता था। काफ़ी अरसे से ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा था, हम इसके पीछे थे, ACLC भी, CIA भी इसकी टोह में थी, लेकिन सिर्फ ये एक तरह के क्राइम नहीं करता था, गाड़ियों की स्नैचिंग, और उस दौरान भी इसने काफ़ी लोगों को गजंद पहुंचाई और उनको शहीद भी किया, लेकिन इसके साथ ये घरों में वारदातें करता था। अभी इसी गैंग ने इनके दो और मेंबर्स जो हैं, मैं उनके भी आपको नाम बता दूं, जो इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं, वो भी बड़े डकैत हैं, नामी गिरामी किस्म के। इनमें से एक का नाम इमदाद सुप्रियो वल्द जान मोहम्मद और दूसरे का नाम रमीज़ वल्द इलाही बश गुनियो,
ये भी पुलिस को मतलूब थे और बड़े नामी ग्रामी क्रिमिनल्स और डकैत माने जाते हैं। और अभी तक जो पर्चे हमें मिले हैं 53 से ज़्यादा FIRs मुख्तलिफ, जिसमें गाड़ियों की स्नैचिंग, घरों में डकैतियाँ, कत्ल, पुलिस के साथ इनकाउंटर्स और दूसरी ऐसी बहुत सी जो वारदातें हैं उसमें ये पाए गए थे। इनके लिए 1 करोड़ का रिकमेंडेशन भी थी और वो बदकिस्मत ही है कि वो टाइमली अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी टीम के लिए, कराची पुलिस के लिए ये एहसास ही काफ़ी है कि इतने बड़े गैंग को और बग़ैर किसी शहरी को नुकसान पहुँचाए हमने न्यूट्रलाइज़ किया, उनको ख़त्म किया। और इस तरह अभी सिर्फ पिछले इसका इस बात से अंदाज़ा लगा दें कि ये कितने बड़े किस्म की क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व थे कि पिछले सिर्फ 10 दिनों के दौरान इन्होंने 6-7 वारदातें की और इसमें पूरी कराची में गिजरी, अजीज़ भट्टी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, नाजमाबाद, तेमूरिया, 6-7 थानों में इन्होंने वारदातें की। पुलिस इनकी टो में थी और बलाखिर पुलिस के जो सब्र और इनका प्रोफेशनलिज्म काम आई और ये पूरा जो गैंग है ये मारा गया। एक जो इसमें से फ़र्द भागा हुआ है हम उसके भी पीछे हैं और इंशाल्लाह उसको भी कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और इसके जो दूसरे साथी हैं उनको भी हम उन पे भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो भी गिरफ़्तार होंगे और कानून के दायरे कटहरे में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसके लिए पुलिस को शाबाश देने का वक्त था, तो मैंने इसीलिए ये ख़ास वाक़िया था। लेकिन इसके साथ ही गाहे बगाहे बहुत से और वाक़ियात जो आपने कवर किए हैं वो भी मैं ख़ास तौर पे कल के ही फिर वाक़ियात बात करना चाहूँगा, जिससे पुलिस जिस तरह की इसे काम कर रही है तो आपको उसका अंदाज़ा होगा। और आपकी तवस्सुत से मैं कराची के शहरियों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है। फिगर्स मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ कल का वाकया एक बड़ा ही अंदोनाक और अफसोसनाक वाकया, जिसमें एक छोटा मुलाजिम बच्चा किसी घर में जो काम करता था ईस्ट में, और उसको सुबह को तकरीबन 9 और 10 के दरमियान एक खातून गाड़ी में ज़ख्मी हालत में छोड़ गई हॉस्पिटल, जो कि जिसका नाम है बांटवा अनीस हॉस्पिटल। और वहाँ पे डॉक्टरों ने जल्दी उसको डेड डिक्लेयर किया और ख़दशा जाहिर किया कि इसके पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। पुलिस की टीम पूरी आफ्टरनून काम करती रही और रात तक अल्लाह के फजल से हमने उस क्राइम में मुलविस खातून जो कि मालकन थी और उसका बेटा फरहान और गाड़ी वो सब बरामद कर ली, उनको गिरफ़्तार किया और बरामद कर ली। और ये भी बड़ा अंदोहनाक वाक़या है। अगेन ऐसे जब भी वाक़यात आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यहाँ जो एक तशद्दुद का रुझान बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हो गया है उसको सदबाब करने के लिए हम सब ने मिल के कोशिशें करनी है। तो हमारा काम है कानून के दायरे में उनको ले आना, उनको पहुँचाना और कोर्ट से उनको सज़ा दिलवाना। लेकिन जो हमारे रवैये हैं उनको तब्दील करने के लिए आप सबकी, शहरों की, मीडिया की, सबकी ज़रूरत होगी कि एक मासूम बच्चा जो घर में काम करता है उसको इतना, वो जो खाने का बैलन होता है उससे मार मार के उसको उसकी जान ली गई, तो वो भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। और ये पूरी जो ईस्ट की टीम है इसमें इनको भी CC1 और 2 लाख रुपये का इनाम इतनी क्विक और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स पे दिया है। और इसमें PS बहादुराबाद की पूरी जो टीम है वो भी काबिल स्ताइश है, SHO बहादुराबाद और ये SSP साहब ईस्ट और DIG साहब ईस्ट की सरकर्दगी में बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा एक जो मोटरसाइकिल का एक बड़ा गैंग वो भी SIU ने अभी CI की सरकर्दगी में SIU ने उसको एक्सपोज किया है, उनको गिरफ़्तार किया। उस गैंग में काफ़ी हमें चोरी और छीनी हुई मोटरसाइकिल मिली हैं जो कि ये